पार्थ जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। कहते हैं कि आगाज अगर ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा? पहली तिमाही के जबरदस्त आंकड़ों पर आपका पहले तो रिएक्शन क्या है और आगे कैसे संकेत आप देख रहे हैं? जैसे कि अभी विरल भाई ने कहा कि पार्टी अभी तो शुरू हुई है। ग्रेट। सो हमारा टेक ऐसा है कि आज जो हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, इसमें बॉम्बे भी लीड कर रहा है मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, कि भाई मैक्सिमम ऑफिस स्पेसेस जो रेडी है वो लीज पे भी बहुत फास्ट जा रही है और सेल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। सेकंड, इफ यू सी जो आप इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल देखते हो जो हो रहा है फिलहाल ग्लोबली, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन जो मैक्सिमम कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है एज अ सेफ डेस्टिनेशन, एज अ क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, क्योंकि जैसे बिजनेसेस ग्रो होने वाले हैं, क्वालिटी ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस वेदर लीज या सेल के डेफिनेटली इन्फ्लक्स आने वाले हैं। ऑफकोर्स सिटीज लाइक बैंगलोर और हैदराबाद वो हमसे कई ज्यादा है, बिकॉज ऑफकोर्स उनका अफोर्डेबिलिटी, प्राइस पॉइंट्स, लेआउट्स आर फार सुपीरियर, तो बिजनेसेस को भी कम रेंटल में वहां प्रिफर्ड डेस्टिनेशन मिल रहे हैं। बट हम ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो आज प्रैक्टिकल बात हम करें तो बॉम्बे में अच्छी ऑफिस स्पेस रेंटल पे जो 2 साल पहले रेंटल्स थे और प्री पोस्ट कोविड जब 21 में रेंटल थे और 24 में थे, एटलीस्ट 25-30% रेंटल्स बढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि बिजनेसेस अच्छे हो रहे हैं, दे आर उन लोग हायर रेंटल फॉर अ क्वालिटी ऑफिस स्पेस देने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। सो आई फील दैट ये एक स्टार्ट है जिसमें अच्छे लोकेशंस, अच्छे लेआउट्स एंड क्वालिटी ऑफिस स्पेसेस की हमेशा डिमांड रहने वाली है। एंड द लिक्विडिटी जैसे इंप्रूव हो रही है, जैसे हमारे गेस्ट ने बताया कि उसके कारण से डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफिस के कंजम्पशन में होने ही वाला है, बिकॉज इवेंचुअली लोगों को लगेगा कि किराए पे लेने से अच्छा इवन परचेज इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन एंड इट्स गोइंग टू डेफिनेटली हैव अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पार्थ जी, क्या आप लोगों ने इस मूड को समझ लिया है और अपना पूरा फोकस लग्जरी में शिफ्ट कर दिया है, सस्ते घरों की ओर आपका फोकस नहीं है? आपसे मेरा आशय है डेवलपर कम्युनिटी। सो आई टेल यू, आज जब लग्जरी मार्केट का अपटेक है वो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ड्रिवन है, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में लोगों ने जो हिसाब से पैसा कमाया है, काफी स्मार्ट इन्वेस्टर्स टच एंड फील वाले एसेट That is real estate, में अपने आप को एज अ एसेट क्लास शिफ्ट कर रहे हैं। टू, उन्होंने रियलाइज कर दिया है कि आज एक लग्जरी घर की अहमियत कोविड के बाद क्या रही है। सो लोगों का एक इंक्लिनेशन हो गया है कि एक बड़े घर में जाए, उसमें किस हिसाब से सुविधाएं मिल सके। एंड अगर पहले आदमी 1500 फुट में रहता था, उसको 4000 फुट में भी अभी रहने के लिए उसको हिचकिचर नहीं लगता है कि घर एक डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहा है, फैमिली को अच्छे से रख पा रहा है। तो लग्जरी का डिमांड 100% आज के जो हिसाब से सिनारियो है, हमारा भी पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट लग्जरी कंपोनेंट 50% है, इट्स डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, जो मुंबई में मैं अफोर्डेबल बोलूंगा बिटवीन 1 crore to 3 crore, वो भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, बिकॉज लोगों के जॉब मार्केट में भी लोगों को अच्छे अच्छे पैकेजेस मिले हैं, इंक्रीमेंट्स मिले हैं, उन्होंने भी फाइनेंशियली अच्छा किया है। तो वहां पे भी एक मुंबई कॉल्ड सोल अफोर्डेबल सेगमेंट में भी डिमांड बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, लोगों को आज भले होम लोन का थोड़ा कॉस्ट बढ़ चुका है और एक्सपेंसिव हुए लोन, स्टिल उनका परचेजिंग पावर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ये हमारा फीडबैक है। सेकेंड, ऑफिस स्पेस में भी हमने जो देखा है कि आज आप जैसे नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में स्टेटिस्टिक्स देखो कि 1 crore के ऊपर की ऑफिसेस 50% से ज्यादा सेल हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब लोगों ने एक रेंटल एसेट के हिसाब से या तो एक बिजनेस सेटअप के हिसाब से 1 crore के ऊपर 50% सेल हुआ है। यूनिट्स भी आप देखोगे तो 24,000 units पर ईयर मुंबई अलोन में बिका है, जो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 17-18% ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसका मीनिंग क्या है कि लोगों ने एक रियलाइज कर दिया है जो टच एंड फील वाला एसेट क्लास है वो इधर एंड यूज के लिए भी अच्छा है, रेंटल इंकम के लिए भी अच्छा है, एंड थर्ड एक श्योरिटी है कि ऑन अ बैड डे इवेंट उस पे इधर आदमी को लैप मिल जाती है या लोन मिल जाती है और उनकी लिक्विडिटी भी क्रिएट हो सकती है, जो एक स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट एक कंप्लीट हेज है। Okay. And it is a safe
हेवन बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट से डाइवर्सिफाई करने के हिसाब से।